ये हैं हरीश कुमार डागला, एक युवक जिनकी यात्रा टैक्सी चालक के बेटे से सेना में शामिल होने तक की कुछ कमाल रही है। उनकी कहानी हमें दृढ़ इरादे और लगन की महत्वपूर्णता को सिखाती है। 7 महीने बाद जब हरीश अपने घर लौटे तो उनका धूल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। हरीश ने अपने घर में जब प्रवेश किया तो माँ ने अपने बेटे का तिलक लगाकर स्वागत किया। 7 महीने बाद माँ भी अपने बेटे को देखकर भावुक हो गई थी। लोगों ने हरीश को माला पहनाई और फूलों की बौछारें भी की। आपको बता दें कि हरीश के पिता अपने बेटे को राष्ट्र सेवा में देखने के सपने देखते थे। कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद हरीश ने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरा करने के बाद भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देखा। सर, मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता और खुशी को बिल्कुल बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे माँ बाप, मेरे परिवार, मेरे भाइयों के लिए वो सबसे बड़ी खुशी थी। कॉलेज लाइफ मैंने बहुत अच्छे तरीके से जी है। उससे मैं एक अच्छा टर्नआउट है, एनसीसी में था मैं, सबसे अच्छा लाइफ मैंने जिया एनसीसी में। सी सर्टिफिकेट लिया, सपना आर्मी का बनाया, लेकिन सरकार के चलते कुछ नियम चेंज होने के अग्निवीर चक्र में आ गया। तो अग्निवीर 4 साल के हमें पसंद नहीं आने के कारण हमने एसएससीडी को चूज़ किया। उसमें आगे सर्विस भी है, हर चीज़ बेनिफिट भी है। ट्रेनिंग अगर घर वालों का सोचा है तो ट्रेनिंग हमें कुछ नहीं लगती। अगर घर वालों को सोचे ट्रेनिंग कुछ नहीं लगती, बाकी ट्रेनिंग का मायना फौज का सबको बताया क्या होता है क्या नहीं। और बाकी सफ़र तो कहीं पे भी, भारत के किसी कोने में अगर घर जाने की बात आए तो यूँ निकलते हैं जैसे गोली निकली हो। जिससे घर पहुँचने वाले उससे पहले पता था गोल का, ये मेरे लिए एक सरप्राइज है, मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने सोचा, मैंने भाइयों की खबर एक रखी थी, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने ये जरूर बोला था मुझे कि हम आएंगे तुझे लेने के लिए, लेकिन मुझे, मैंने कहा नहीं, मैंने मना कर दिया। इन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरे लिए बहुत अच्छा लगा सरप्राइज, बहुत खुश हो। और इससे बहुत मेरे भाई छोटे वाले भी मोटिवेट होंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ सर, उस खुशी को मैं नहीं चाहिए कर सकता, माँ बाप की उनकी खुशी खातिर मैं गया। कोई घर छोड़ के जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं गया, मैं मामी और पापा, परिवार वाले, भाइयों सबकी खुशी के लिए गया। और माँ का दर्द आपको बताया, माँ का प्यार, वो खुशी यार कितना फक्र में कितना बदल गया, बहुत ही गर्गर हो रहा सुना सर। युवाओं के लिए क्या समझ, अपने सपनों के लिए जिए सर, अपने सपनों के लिए, जो भी आपका सपना, जैसे जरूरी नहीं है कि फौजी हो, जिस फील्ड में जाना चाहता है वो अपना एक सपना बना ले, उधर का उधर दाहिने बाएं दाहिने बाएं न अपना नजर भटकाए और एक ही जगह फोकस रखे, वो सफलता जरूर मिलेगी उसे। मेहनत और समर्पण से हरीश ने कठिन चयन प्रक्रिया को पार कर लिया और आखिरकार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में चयनित हो गए। उनका गांव में वापस आना उनके पूरे समुदाय के लिए एक गर्व का पल हुआ। उनके पिता की आंखों में जो खुशी और गर्व था वो सब कुछ बयां कर रहा था। वुमन, उनके आदिवासी समुदाय के लोग मजदूरी करते हैं, लेकिन हरीश के पिता कहते हैं कि उनके बेटे के भारतीय सेना में जाने का जो सपना था, जो कि उसने अपनी मेहनत से पूरा किया है। सीमा सुरक्षा बल के आरक्षी हरीश कुमार बताते हैं कि माँ सोमती देवी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हमेशा देश सेवा की सीख देती रहती है। वह बताते हैं कि कॉलेज में कैप्टन आदर्श किशोर चाणी का मोटिवेशनल काफी काम आया है। हरीश का कहना है किसी भी शुरुआती असफलता से कभी रुकना नहीं चाहिए, यही वजह है कि उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और आज सीमा सुरक्षा बल की वर्दी में घर पहुंचे हैं। लोकल 18 बाड़मेर से मनमोहन सेजू की रिपोर्ट।